रूसी राष्ट्रपति ने भारत के प्रधानमंत्री और भारत की राष्ट्रपति को एक संदेश भेजा है। इस संदेश में उन्होंने कई तरह की उम्मीद जताई है। भारत तक आपको बताएगा कि रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने भारत क्या संदेश भेजा है। उन्होंने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और पीएम नरेंद्र मोदी को क्या संदेश में लिखा है। दरअसल ये संदेश है नए साल का। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने भारत को नए साल का बधाई संदेश भेजा है और ये भी कहा है कि मुश्किल अंतर्राष्ट्रीय हालात में जिस तरह के दोनों देशों के रिश्ते बढ़ रहे हैं वो काफी उत्साहवर्धक है। रूसी राष्ट्रपति ने यह भी कहा है कि रूस और भारत के बीच द्विपक्षीय संबंध लगातार मजबूत हो रहे हैं। इसके साथ ही रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने भारत रूस के बीच बढ़ते ट्रेड पर भी काफी उत्साह दिखाया है। उन्होंने खुशी जताई है कि जिस तरह से दोनों देशों के बीच ट्रेड बढ़ रहा है वो काफी ऊर्जा देने वाला है। इसके साथ ही दोनों देश आगे मिलकर ज्वाइंट प्रोजेक्ट्स पर भी काम करेंगे जो काफी सफल रहने वाला है। इसके साथ ही उन्होंने कहा है कि दोनों देशों के बीच बढ़ते द्विपक्षीय संबंध कई तरह से फायदेमंद साबित हो रहे हैं। दोनों देशों के बीच आई मजबूती से सुरक्षा और स्थिरता पूरे इलाके में कायम रहेगी और इसका अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी असर दिखाई देगा। इस तरह की उम्मीद राष्ट्रपति पुतिन ने की है। इसके अलावा रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने भारत के G20 अध्यक्षता शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन की भी खूब तारीफ की है और कहा है कि दोनों ही देश के बीच जिस तरह के बायलेटरल रिश्ते मजबूत हो रहे हैं और दोनों देश साझा तरीके से काम कर रहे हैं वो काफी ही ज्यादा बेहतर है। रूसी राष्ट्रपति ने इस तरह के नए साल की बधाई संदेश अपने कई और मित्र देशों को भी भेजे हैं। इसके पहले भी रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने पीएम मोदी की जमकर तारीफ की थी जब उन्होंने भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर के साथ मुलाकात की थी। उस हाई लेवल मीटिंग में पुतिन ने कहा था कि जिस तरह से पीएम मोदी लगातार अपने विजन को लागू कर रहे हैं और भारत और रूस जिस तरह से मजबूती से एक दूसरे के साथ आगे बढ़ रहे हैं उससे काफ़ी ज़्यादा उन्हें उम्मीदें हैं। इसके साथ ही उन्होंने कहा था कि पीएम मोदी की लोकप्रियता रूस में भी बहुत ज़्यादा है और लोग उनका यहाँ बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं। इसके साथ ही रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने विदेश मंत्री एस जयशंकर को पीएम मोदी को भारत आने का न्योता पत्र भी दे दिया था। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन का पीएम मोदी को लेकर जो बॉडी लैंग्वेज है और जो आए दिनों उनका बयान सामने आता रहता है इससे ये बात साफ साफ पता चलती है कि दोनों ही देशों के बीच जबरदस्त दोस्ती आगे बढ़ रही है और इसमें पुतिन और पीएम मोदी की भूमिका काफी अहम है। ब्यूरो रिपोर्ट भारत तक।